हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कर एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है। आज हम लोग काम करने वाले हैं एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, वी हैव टू गो टू फाइल। बाय डिफॉल्ट फाइल पर जाना पड़ेगा, विल क्लिक ऑन न्यू मॉडल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल कम फॉर यूएस बिल्ड यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद, विल मेक इट इंडियन हियर, एमबेडेड कैसे करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे इंडियन के पास, उसके बाद आई एस एडमिट करेंगे यहाँ से हम लोग, और यहाँ से करेंगे आई एस 456। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जितने भी इंडियन कोड्स हैं वो हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, एंड जितने भी हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं वो सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद विल जस्ट क्लिक ऑन ओके हियर। दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप वन में हम लोगों ने सारे इंडियन कोड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग करेंगे ओके। इतना करने के बाद विल कम फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, जो होता है हम लोग को ग्रिड का स्पेसिंग देना पड़ेगा। तो हम लोग हाउ डू वी डिसाइड द ग्रिड स्पेसिंग। ठीक है, तो इसके लिए मैं चलता हूँ पेंट के पास। तो बेसिकली इफ आई एम टेकिंग अ वाटर टैंक, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ टैंक, यहाँ पे कुछ इस तरीके की टैंक लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इस टैंक के लिए क्या होगा, हम लोगों को ग्रिड स्पेसिंग देनी पड़ेगी, बिकॉज बाई यूजिंग ग्रिड्स वी कैन नॉट डिजाइन दिस। तो मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ से, एंड विल जस्ट ड्रॉ वन ग्रिड ओवर हियर। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे ग्रिड बनेगा हमारे लिए, और यहाँ पे ग्रिड बनेगा हमारे लिए। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में यहाँ पे ग्रिड बनेगा और यहाँ पे ग्रिड बनेगा, कुछ इस तरीके से। ओके, तो बेसिकली जो भी हमारा टैंक होगा यहाँ पे, इसके लिए हम लोग कितने ग्रिड चाहिए होंगे, वी विल नीड टू ग्रिड्स इन एक्स डायरेक्शन एंड टू ग्रिड्स इन वाई डायरेक्शन। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये होगा ए, ग्रिड ए होगा ये, और ये होगा ग्रिड बी, और ये होगा ग्रिड वन, और ये होगा ग्रिड टू। ठीक है, और जो भी आप देख रहे हो अभी, ये क्या है, ये है बेसिक अपना प्लान व्यू ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हाउ मेनी ग्रिड्स डू आई नीड, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ई टैब्स में। सेकंड स्टेप में हम लोग अलॉन्ग एक्सैक्शन कितने ग्रिड चाहिए मुझे, मुझे आई नीड वन ग्रिड एंड टू ग्रिड। ठीक है, वाई में कितने चाहिए, वन एंड टू। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, आई मेक इट टू ओवर हियर। ठीक है, अब स्पेसिंग इन एक्स डायरेक्शन, स्पेसिंग इन वाई डायरेक्शन। तो बेसिकली ये ए और बी की स्पेसिंग कितनी होगी, वन और टू की स्पेसिंग कितनी होगी, ये हम लोग को डिसाइड करना है। इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। इफ यू गो टू पीटीएस कैट चैनल, वाटर टैंक के पास जाओगे आप, 10 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने सारा कवर कर रखा है कि आप डिसाइड कैसे करते हो कि आपका वाटर टैंक का साइज कितना होगा। ठीक है, तो लेट कम कमिंग बैक ऑन टॉपिक एट हैंड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, विल जस्ट विल टेक अ रैंडम साइज ऑफ 12 मीटर। ठीक है, अगर आपको इन डेप्थ देखना है तो यू कैन जस्ट गो एंड रेफर दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम बैक हियर। ओके, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 6 मीटर और 12 मीटर के आसपास की हम लोग कुछ यहाँ पे एक हम लोग रेक्टेंगल वाटर टैंक लेते हैं। ठीक है, 12 मीटर यहाँ पे, 6 मीटर यहाँ पे, अज्यूम किया हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल परपजेस। तो हम लोग आते हैं एक्स पे, एक्स पे 12 डिस्टेंस होगा एंड वाई में 6 का डिस्टेंस होगा। ओके, 12 एंड 6। इतना करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि हाइट कितना होगा। ठीक है, हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की हाइट कितना होगा, तो उसके लिए आई विल कम बैक टू कम ओवर हियर। थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूँ यहाँ से। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड अगर मेरी वॉल टैंक कुछ इस तरीके की है यहाँ पे, तो इसका कुछ इस तरीके का वॉल बनेगा। ऑलराइट, बाकी सब मिट्टी मिट्टी रहेगा। तो ये हमारा वॉल टैंक बनेगा विद आरसीसी वॉल्स एंड एवरीथिंग, बिन जाएगा स्लैब हमारा। एंड अगर ऊपर भी स्लैब डाल रहे हो आप, स्टील का कवरिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, यू नॉट पुटिंग अ स्टील कवर, यू आर पुटिंग अ प्रॉपर कॉन्क्रीट स्लैब, तो विल कम लाइक समथिंग लाइक दिस। ओपनिंग होगी आपकी यहाँ पे कहीं पे कुछ। ठीक है, इफ यू आर डूइंग दिस, ये बेसिकली हमारा एलिवेशन व्यू है। ऑलराइट, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो भी ग्रिड बनेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जाएगा ग्रिड और यहाँ पे ग्रिड जाएगा, इफ यू हैव अ कॉन्क्रीट स्लैब ऑन टॉप ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रिड जाएगा, तो हमारे पास एक ही स्टोरी बनेगी, राइट, एक ही स्टोरी बनेगी। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और विल मेक इट वन। हाइट लेते हैं हम लोग करीब करीब 3.6 मीटर का हाइट लेते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली वन स्टोरी, तो बॉटम स्टोरी का हाइट भी सेम रहेगा टिपिकल स्टोरी हाइट जितना। ठीक है, एलिवेशन भी देखो, आई हैव डिसाइड हाइट ऑफ हाउ मच, हाइट ऑफ 3.6 मीटर का मैंने यहाँ पे अज्यूम किया हाइट मेरा, मेक इट ब्लैक। ओके, कुछ तरीके से आपका रहेगा हाइट यहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहीं पे आए, वी मेक इट स्टोरी एज 1, 3.6 टिपिकल हाइट, बॉटम स्टोरी हाइट इज 3.6। इतना करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन ओके। इतना करने से क्या होता है कि आपको जो ग्रिड होती है, इट गेट रेडी लाइक दिस। ठीक है, ग्रिड बनते ही द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज सेव द फाइल, आई जस्ट गिव इट एज वैल्यू एज 1, मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेव करने के बाद विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी हैव टू गो फॉर डिफाइंड मटेरियल्स, राइट। तो डिफाइंड पे चलो, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे चलो, जाने के बाद मॉडिफाई पर शो में जाओ, या फिर हम लोग करते हैं एड न्यू मटेरियल कर देते हैं। ठीक है, एड न्यू मटेरियल पे चलते हैं,
यहाँ से हम लोग करते हैं इंडिया, यहाँ से हम लोग करते हैं कॉन्क्रीट, M30 कॉन्क्रीट करते हैं हम लोग M30, एंड देन क्लिक ऑन ओके, M30 इज डिफाइंड, डन। देन वी गो फॉर डिफाइन अगेन, वी गो फॉर सेक्शन प्रॉपर्टीज, वी गो फॉर स्लैब सेक्शन। मेटल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या डिफाइन किया, मेटल डिफाइन किए कॉन्क्रीट का। यहाँ पे आते हैं सेक्शन प्रॉपर्टी, वी गो फॉर स्लैब सेक्शन, दो सेक्शन है इसको डिलीट कर दो, एक ही चाहिए हम लोग को। मॉडिफाई बस शो करो, आई मेक इट स्लैब 250 mm। अगेन अगर कुछ फेल कर रहा है विल मेक इट सेफ, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं साइज होगा 250 mm का। आते हैं यहाँ से M30 करते हैं, आई लिंक द साइज टू 250 mm, ठीक है। जो भी आप ये स्लैब देख रहे हो यहाँ पे, ये कॉन्क्रीट का बनेगा, राइट। तो हम लोग उसी को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं 250 के लिए। स्लैब डिफाइन हो गया, स्लैब डिफाइन करने के बाद हम लोग को यहाँ पे जो वॉल्स हैं RCC वॉल्स हैं इनको भी डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो इनको डिफाइन करने के चलते हैं डिफाइन पे, सेक्शन प्रॉपर्टी जाते हैं, जाने के बाद करते हैं हम लोग यहाँ से वॉल सेक्शंस। वॉल सेक्शंस में आते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसको यहाँ से, आई गिव अ वैल्यू ऑफ अगेन 200 mm, ओके, एंड मेक इट M30 हियर 200 करते हैं। अगर फेल कर रहा है तो इंक्रीज द साइज ग्रेजुअली, ठीक है। तो अभी हम लोग तीन चीज़ किए, पहला क्या कि डिफाइन में गए थे हम लोग, मेटल प्रॉपर्टीज में गए थे, M30 डिफाइन किया हम लोग, ठीक है। वी हैव नॉट डिफाइन एनी स्टील प्रॉपर्टीज, हम लोग बस M30 डिफाइन किए हैं। डिफाइन करने के बाद वी कम ओवर हियर, सेक्शन प्रॉपर्टीज में गए, स्लैब सेक्शंस में गए, मॉडिफाई में गए, एंड वी डिफाइन M30 ओवर हियर, ओके। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए, डिफाइन में आए, सेक्शन प्रॉपर्टीज में आए, वॉल सेक्शंस में आए, एंड वी हैव कम टू वॉल 200 mm हियर, ओके। इतना करने के बाद हमारा डिफिनेशन पूरा खत्म हो चुका है, ऑलराइट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ दिस थिंग। तो हम लोग कहाँ हैं, स्टोरी वन पे हैं, आई कम डाउन टू बेस स्टोरी, बेस स्टोरी पे आता हूँ मैं। बेस स्टोरी पे आने के बाद आई जस्ट ड्रॉ स्लैब ओवर हियर। स्लैब के लिए मुझे फाइल चेक करना पड़ेगा यहाँ से, स्लैब 250 mm, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ तरीके से, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग को स्लैब को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। मेनी पीपल व्हाट दे डू, दे गो फॉर असाइन, असाइन में आने के बाद दे गो फॉर शेल, एंड आके यहाँ पे मेशिंग कर देते हैं, ठीक है, मेश कर देते हैं। हम लोग को मेशिंग नहीं करना है, हम लोग को स्लैब ब्रेक करना है, इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। हम लोग मेश नहीं करेंगे स्लैब, हम लोग स्लैब ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद हर एक स्लैब पे हम लोग अपना स्प्रिंग का फोर्स लगाएंगे, ऑलराइट। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, स्लैब को सेलेक्ट करना है, जाना है एडिट पे, ठीक है। प्लीज नोट दिस स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, एडिट पे जाना है। जाने के बाद गो फॉर एडिट शेल्स एंड क्लिक ऑन डिवाइड शेल्स, नोट करिए स्टेप्स, एडिट शेल्स एंड डिवाइड शेल्स, ठीक है। इसके बाद जितना आपको ब्रेक करना है उतना ब्रेक कर सकते हो। इफ यू वांट टू मेक इट 0.5 एंड 0.5 का डिस्टेंस पे, तो 12 है तो आप 24 करोगे यहाँ पे, ठीक है। 6 है तो आप यहाँ पे 12 करोगे, ऑलराइट, वेरी सिंपल। 12 है तो 24 कर रहे हो, 6 है तो 12 करोगे। ये बहुत स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, व्हेन एवर यू गोइंग फॉर इन डिजाइन लाइक दिस आपको यही करना पड़ता है, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक इट इवन मोर फाइन, आपको 0.25 का चाहिए तो वो भी कर सकते हो, आपको बस यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ जाएगी। एंड इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर यू टू रन द एनालिसिस, ठीक है। अभी मैं अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ, ऑलराइट। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल स्मॉल एरियाज में जो भी है ये ब्रेक हो चुका है कुछ तरीके से, ऑलराइट। तो इसके बाद क्या करना है मुझे, आई हैव टू सेलेक्ट द एंटायरिटी ऑफ इट, ठीक है। एंटायरिटी सेलेक्ट करता हूँ, गो टू असाइन जॉइंट्स, रिस्ट्रेंस में जाके जितने भी रिस्ट्रेंस है पूरा हटा दूंगा मैं यहाँ से, अप्लाई करके ओके, ठीक है। इतना करने के बाद आई सेलेक्ट द होल थिंग अगेन, आई गो टू असाइन, आई गो टू शेल, ठीक है। आता हूँ यहाँ से कहाँ पे, एरिया स्प्रिंग्स पे आता हूँ मैं, ठीक है। नोट कर लो, असाइन शेल एरिया स्प्रिंग्स, जितनी भी यहाँ पे रिस्ट्रेंट्स थी सारी हटा दी मैंने। हटाने के बाद मैं आया हूँ एरिया स्प्रिंग्स के पास और मैं इसमें एरिया स्प्रिंग्स लगाऊंगा, मॉडिफाई बशो डेफिनेशन करके, एड न्यू प्रॉपर्टी करके। यहाँ पे 20,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू है, आपको करना है कंप्रेशन ओनली, ठीक है। कंप्रेशन ओनली चेंज करना है, ये आपका SBC पे डिपेंड करता है, जितनी आपकी SBC आएगी आप उतना अप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है। अभी जो SBC दिया है यहाँ पे, आई एम जस्ट टेकिंग दैट वैल्यू एंड आई एम गोइंग अहेड। अगर आप सॉइल एनालिसिस कराते हो अपने साइट पे, तो बेस ऑन दैट यू हैव टू चेंज द वैल्यू ओवर हियर, जितना वैल्यू आ रहा है उसको कन्वर्ट करो इस स्केल में एंड अप्लाइड ओवर दैर, ठीक है। बट डिफॉल्ट आई एम गोइंग फॉर हाउ मच, 20,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू से जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। तो यहाँ पे देखो एरिया स्प्रिंग सारे लग चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद नाउ वी हैव टू ड्रॉ द वॉल्स। तो वॉल कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ऑप्शन ही नहीं आ रहा हम लोग को यहाँ पे। वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज हम लोग बेस में है। व्हेन एवर यू आर ड्रॉइंग अ वॉल, वॉल आपका ऊपर से ड्रॉ होता है हमेशा, ठीक है। ऊपर से ड्रॉ होता है वॉल, नीचे से ऊपर नहीं ड्रॉ होता। तो व्हेन यू आर इन द बॉटम प्लेट, जहाँ बेस पे हो आप, तो आपको ये ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल होंगे। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पे। आप ऊपर आइए, आने के बाद यू सेलेक्ट द वॉल ओवर हियर, ठीक है। टेक वॉल 200 एंड जस्ट ड्रॉ द वॉल लाइक दिस, कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली ड्रॉ करना आपको वॉल, ठीक है। इतना कर दिए, इतना करने के बाद एस्केप कर कमांड के बाहर आइए। आने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू दिस ऑप्शन हियर, ठीक है। आप इस ऑप्शन पे आइए, अदरवाइज असाइनमेंट में जाइए, लोकल एक्सेस अप्लाई, यहाँ पर जाके इसको आप अप्लाई करो, लोकल एक्सेस अप्लाई, ठीक है।
अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि आपके जो जेड डायरेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका जेड। जेड इज व्हाट? अपर डायरेक्शन, ठीक है। ये समझना बहुत जरूर ज़्यादा जरूरी है। एक्स वाई एंड जेड इज द अपर डायरेक्शन। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। एक्स वाई आर इन प्लेन, जेड इज आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। एक्स एंड वाई कहाँ पे है? ये इन प्लेन में है, अलॉन्ग द लेंथ एंड अलॉन्ग द ब्रेथ है, लेकिन जेड इज आउटसाइड ऑफ इट, ठीक है। तो एक्स एंड वाई क्या होता है? इन प्लेन फोर्स होता है। एंड जेड विल बी वॉट? आउट ऑफ द प्लेन फोर्सेस। तो जितना भी हम लोग प्रेशर लगाएंगे, वाटर प्रेशर लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, वो हम लोग जेड डायरेक्शन में ही लगाएंगे, ठीक है। बिकॉज पानी जो क्या होता है, पानी जब भरोगे आप इसमें तो पानी वॉल के ऊपर पुश करेगा, राइट। तो वो किस डायरेक्शन में पुश करेगा? जेड डायरेक्शन में पुश करेगा। सेम थिंग फॉर सॉइल। सॉइल भी कहाँ पे पुश करेगा? वॉल पे पुश करेगा, इन द जेड डायरेक्शन, ठीक है। एक्स एंड वाई डायरेक्शन में नहीं, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है लोकल एक्सिस पे, अदर असाइनमेंट्स। लोकल एक्सिस में आपको चेक करना है कि आपके जितने भी जेड एक्सिस हैं वो सब कुछ बाहर की तरफ ही है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई जेड एक्सिस अंदर होगा तो आपका पूरा फोर्स गड़बड़ा जाएगा, ओके। तो जेड सारे बाहर होने चाहिए। इसको चेक करने के बाद आप अप्लाई करो, ओके करो, ठीक है। इस स्टेप पे बहुत लोग क्या करते हैं, इस स्टेप पे आने के बाद यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू, एक मिनट इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हमारे कोर्सेज हैं गेटा स्पेस सी प्लस आर सी डी सी का, 1999 रुपये मिल जाएगा आपको ये। अगर आपको बस ये आप सीखना है तो 1000 रुपीज़ में आपको कोर्स अवेलेबल हो जाता है। इफ़ यू सी द कंटेंट पार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ETAPS के अंदर हमारे पास करीब करीब 5 से 6 मॉडल्स हैं जिसपे हमने सारा काम किया है। रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर हैं। एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग पे आप इसमें काम आगे काम करोगे, राइट। एंड सेफ में भी आपके पास अलग टाइप की फुटिंग्स वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो कंटेंट में आप जाके देखोगे तो सेफ के अंदर आपको एसेंडिंग फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, स्टाफ फुटिंग, राफ फुटिंग, पाइल फाउंडेशन वगैरह भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एंड RCDC जब हम लोग बात करते हैं तो RCDC में जो है आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएगा। देखो कॉलम डिजाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बो कोर्स बनाया हम लोगों ने यहाँ पे, ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट आओ तो यू शुड बी एबल टू एवरीथिंग। GitHub, सेफ और RCDC तीनों आपको आना चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इफ इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड परचेज द कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस स्टेप को आने के बाद यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई टू ब्रेक द डिवाइड द दिस वन ऑल्सो, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्स को भी आप डिवाइड कर सकते हो आराम से, जिससे हमने सेल्स डिवाइड किए थे। अब वहाँ पे आओ वापस यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड पे जाओ एंड यू कैन डिवाइड इट फ्रॉम हियर अगेन, ओके। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर आपको डिवाइड करना तो आप डिवाइड करो, अगर डिवाइड नहीं करना तो आप डिवाइड मत करो, राइट। मैं इसको 2x2 में भी डिवाइड कर सकता हूँ आराम से। जस्ट गो टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, जितने भी वॉल्स हैं आप वॉल सेलेक्ट करो कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद 2x2 भी कर सकते हो, 4x4 भी कर सकते हो, जितना चाहिए आप उतने में आप इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। डिवीजन करने से क्या होता है, आपको वैल्यूज बेहतर तरीके से मिलती हैं, ठीक है। यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग इज बिहेविंग, ठीक है। अप्लाई करके यू कैन क्लिक ऑन ओके लाइक दिस, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको नीचे आना है, बिफोर वी अप्लाई फोर्सेस आपको नीचे आना है एंड यू हैव टू अप्लाई रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास रिस्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, आपको सही से वैल्यूज नहीं मिलेंगे, आपको वार्निंग आ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी होगा यहाँ पे कोने में, यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रेंट्स होनी चाहिए, बहुत जरूरी स्टेप है ये। यहाँ पे जाओ, असाइन करो, फ्रेम पे जाओ, सॉरी जॉइंट्स पे जाओ, रिस्ट्रेंट्स पे जाओ एंड फिक्सिटी अप्लाई करके ओके कर दो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है, ऑलराइट। इतना करने के बाद अभी बारी आती है लोड्स की, लोड्स कैसे अप्लाई करोगे। डिफाइंड पे जाना है आपको, लोड्स के लिए जाना है लोड पैटर्न पे। लाइव लोड को पहले डिलीट कर दोगे आप, बिकॉज हम लोग डेवलप करेंगे इस पे, डिलीट कर दो लाइव लोड को। अप्लाई वाटर प्रेशर लोड, ठीक है, इसको आप अदर्स कर दो। एड न्यू लोड एंड सॉइल प्रेशर अप्लाई करो यहाँ पे, ये भी अदर्स मिलेगा, इसको एड न्यू लोड करके इसको अप्लाई कर दो। इफ इन केस यू वॉन्ट टू अप्लाई वाटर वेट इवन द स्लैब, ठीक है, जैसे आप डिफाइन पे जाते हो लोड कैसे पाते हो, सॉरी नॉट केसेस, लोड पैटर्न्स, ठीक है, लोड पैटर्न पे जाते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फ्लोर फिनिश ऑल्सो ऑन दिस, देखो ये सब कुछ जो मिट्टी पे बैठा हुआ है ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ये लोड लगाने की जरूरत नहीं है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू चेक कि आपका स्लैब पूरा पानी का लोड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, इस केस में आप अपना लोड अप्लाई कर सकते हो स्लैब के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको एक्सेल शीट खोल के दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इनिशियल डेटा पड़ा हुआ है कि जैसे यूनिट वेटर ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 10 किलोमीटर क्यूब का होता है, बेसिकली 9.6-9.7 का कुछ होता है। वी हैव अज्यूम टू बी 10, ठीक है, हम लोग उसको राउंड ऑफ कर दिए हैं। और लेंथ है 12 की, ब्रेथ है आई थिंक 6 की ब्रेथ है हमारी यहाँ पे, राइट। मैक्सिमम हाइट 3.6 का यहाँ पे हिसाब हम लोग इनपुट करेंगे, ओके। करने के बाद वॉल्यूम विल बिकम 259.2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम बन जाएगा ये, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे, आई हैव टू अप्लाई हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, आई हैव टू अप्लाई यहाँ पे स्लैब पे मुझे वाटर वेट अप्लाई करना है टू मेक श्योर कि मेरा स्लैब ब्रेक नहीं कर जाएगा, ठीक है, सेटलमेंट ले पा रहा है। SBC के हिसाब से इट इज टेकिंग अबाउट टू टेक द वेट ऑफ नॉट। तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट करने के बाद गो टू डिफाइन, चेक कर लेता हूँ मैंने डिफाइन किया नहीं किया उसको, ओके।
तो डिफाइन किया मैंने वाटर प्रेशर वगैरह वगैरह। तो आपको जाना है किस पे, असाइन पे जाना है, यू हैव टू गो टू शेल लोड्स, शेल लोड्स यूनिफॉर्म पे जाना है आपको। आपको अप्लाई करना है वाटर प्रेशर, कितना अप्लाई करोगे आप अप्लाई करोगे द डेंसिटी इंटू हाइट। ठीक है, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है शायद उस फॉर्मूला को, यहाँ पे वाटर प्रेशर एट बेस। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ ताकि आप फॉर्मूला चेक करो कि यूनिट वेट ऑफ द वाटर 10 है, हाइट ऑफ द वाटर कितना है 3.6 है। ठीक है, तो जितना भी वेट आ रहा है वो कितने आ रहा है पर मीटर पे, वी गेटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर। ओके, वैल्यू है 36 यूनिट पर मीटर स्क्वायर पे वैल्यू आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल स्मॉल बॉक्स है, इस स्मॉल बॉक्स पे 36 यूनिट पर मीटर क्यूब का, सॉरी पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू लोड लगेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये 0.5 बाय 0.5 है, 0.1 बाय 0.1, मतलब इतना हाइट पे, इतने पूरे बॉक्स पे 36 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगने वाला है यहाँ पे, इतने बड़े हिस्से पे 36 का। ऑलराइट, तो यहाँ पे 36 लिखूंगा मैं, यहाँ पे 36 अप्लाई करो, ओके करो। ठीक है, तो मैंने वाटर प्रेशर स्लैब पे अप्लाई कर दिया। इसके बाद अगर आपको फ्लोर फिनिश भी अप्लाई करना है, इवन दो टेस्टिंग ऑन द सॉइल, आपको अगर फ्लोर फिनिश अप्लाई करके चेक करना है कि इट इज एबल टू टेक द लोड और नॉट, आपका स्लैब डिफॉर्म कर रहा है क्या कर रहा है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। डिफाइन पर जाओ, गो टू लोड पैटर्न्स एंड क्लिक ऑन फ्लोर फिनिश। ठीक है, इसको आप डाल दो सुपर डेट के अंदर, एड एंड लोड करो, ओके करो। ठीक है, जस्ट सेलेक्ट द होल थिंग लाइक दिस, गो टू असाइन, गो टू शेल लोड्स अगेन, गो टू यूनिफॉर्म अगेन। ठीक है, मैं 2 का लोड लगाता हूँ किस पे, फ्लोर फिनिश पे। ठीक है, इसको अप्लाई करो और इसको ओके करो। अगर देखो किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में है वो सब कुछ, ओके। तो आपने यहाँ पे लोड अप्लाई कर दिया, आपका जितना भी वाटर वेट था, जितना भी वाटर वेट है हाइट के डिपेंड पे, एवरीथिंग हैज कम ऑन दिस, आपका फ्लोर फिनिश का लोड भी यहाँ पे आ गया। अब बारी आती है वाटर प्रेशर की, तो वाटर प्रेशर लगाना पड़ेगा हम लोग को वॉल्स के ऊपर। ठीक है, वॉल्स के ऊपर कैसा होगा और सॉइल जब प्रेशर आएगा तो वो कैसा होगा। ठीक है, तो मैं वापस खोलता हूँ यहाँ पे अपना एक्सेल शीट। तो यहाँ पे देखो, यूनिट वेट ऑफ वाटर हमने 10 लिया है, लेंथ 12 की है, ब्रिथ 6 का है, हाइट ऑफ वाटर 3.6 मीटर्स। ठीक है, इतना करने के बाद नीचे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ सॉइल भी अपने पास है, 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब की सॉइल है डेंसिटी, एंड वाटर का भी डेंसिटी हमारे पास है 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब का डेंसिटी अपने पास है यहाँ पे। ठीक है, इतना सब करने के बाद हम लोग लेकिन एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री अज्यूम कर रहे हैं, sin 30 नथिंग बट 0.5। ठीक है, sin 30 नथिंग बट 0.5 हम लोग यू क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला है 1 - sin 5 / 1 + sin 5 का फॉर्मूला है टू फाइंड रेंगेंस कोएफिशिएंट, एक्टिव सॉइल सॉइल का एक्टिव प्रेशर के। ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ यहाँ से, के एस हम लोग को पता होना चाहिए टू कैलकुलेटेड। तो के का फॉर्मूला क्या है, 1 - sin 5 / 1 + sin 5, साइन का हमारा वैल्यू क्या है, sin 30 का वैल्यू है 0.5। राइट, इट बेसिकली वॉज 1 - 0.5 / 1 + 0.5 का वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दिस इज 1 - sin 5 वैल्यू, वॉट इज के एस वैल्यू। ठीक है, तो के एस फाइंड करना बहुत जरूरी है, दैट इज बेसिकली वॉट एक्टिव सॉइल प्रेशर, और उसके बाद ये क्या है, सरचार्ज का लोड जब आता है तो उसका कितना प्रेशर लगता है आपके इस मिट्टी के ऊपर। तो जस्ट प्लेन सरचार्ज क्या होता है यहाँ पे फॉर अ सेकंड। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी वाटर टैंक, अगेन आई मीन यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो जितना भी आपका प्रेशर रहेगा, ठीक है, ये सॉइल का प्रेशर आ रहा है प्लस यहाँ पे मैं एक और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे कुछ तरीके से, हम लोग कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा हल्का सा। ठीक है, तो ये जितना भी प्रेशर है दिस इज बिकॉज ऑफ द सॉइल, हाइट थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये होगा अपना सॉइल प्रेशर, ओके। और ये जो बाकी का प्रेशर आ रहा है आप इसके ऊपर जो लग रहा है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, बिकॉज सॉइल तो ऐसे नहीं आएगा आपका, सॉइल तो सब जगह पर रहेगा ना कम्प्लीटली, एंड इस पे इस सॉइल के ऊपर आपकी कोई व्हीकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज बेसिक कॉल्ड एज सरचार्ज लोड। ठीक है, तो यू हैव टू कंसिडर इवन सरचार्ज लोड। तो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट सरचार्ज लोड, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट द सॉइल प्रेशर, दोनों मिला के लोड कहाँ पर लग रहा है, वॉल पे लग रहा है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को फाइंड करना बहुत जरूरी है कि आपका जो एक्टिव सॉइल प्रेशर है वो कितना होगा, और बिकॉज ऑफ सरचार्ज आप कितना होगा केस, उसका को जो कोफिशियंट है वो कितना होगा। ऑलराइट, दोनों को फाइंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने पास, इसको भी और इसको भी, दोनों कॉम्पोनेंट्स को फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो इनका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था 1 - sin 5 / 1 + sin 5। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में सारा लिखा होता है, आराम से आप एक बार टेक्स्ट बुक रेफर करो, समझ में आ जाएगा ये क्या है करके। ठीक है, उसके बाद जैसे 1 - sin 5 का वैल्यू है ये, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लेके आ गया हूँ। ऑलराइट, उसके बाद वाटर प्रेशर एट बेस, अगेन इसका मैं बताया था आपको कि हाइट इंटू द डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइट इन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉइल प्रेशर एट बेस इज 18, एंड यहाँ पे जो सरचार्ज प्रेशर है आई एम टेकिंग इट एज 6, अजम्पशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप इसको 8 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, अगेन डिपेंड्स अपॉन कि कितने व्हीकल जा रहे हैं, कितनी बिल्डिंग हैं, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। ऑलराइट, तो यू कैन टेक अ वैल्यू लाइक दिस। उसके बाद आते हैं हम लोग केस पे। ठीक है, पहला केस है कि बस पानी ही पानी है। ऑलराइट, इफ आई जस्ट ओपन अप द थिंग ओवर हियर,
अगर केस वन की बात करूँ, केस वन में क्या है कि बस पानी है अंदर, ठीक है, केस वन ओनली वाटर, ठीक है। तो बस कंस्ट्रक्ट ये है, इसको पानी भरे हैं अपना, कोई हम लोग वापस सॉइल लगाए नहीं है, यहाँ पे कोई सरचार्ज लोड नहीं है, ठीक है। तो हमारे कोर्सेज हैं गेटा स्पेस सी प्लस आर सी डी सी का 1999 रुपये मिल जाएगा आपको ये। अगर आपको बस एरिया आप सीखना है तो 1000 रुपीज़ में आपको कोर्स अवेलेबल हो जाता है। इफ़ यू सी द कंटेंट पार्ट, आप यहाँ पे आज देख सकते हो कि ETAPS के अंदर हमारे पास करीब करीब 5 से 6 मॉडल्स हैं जिसपे हमने सारा काम किया है। रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर हैं। एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग पे आप इसमें काम आगे काम करोगे, राइट। एंड सेफ में भी आपके पास अलग टाइप की फुटिंग्स वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो कंटेंट में आप जाके देखोगे तो सेफ के अंदर आपको एसेंडिंग फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, स्टाफ फुटिंग, राफ फुटिंग, पाइल फाउंडेशन वगैरह भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एंड RCDC जब हम लोग बात करते हैं तो RCDC में जो है आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएगा, देखो कॉलम डिजाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बो कोर्स बनाया हम लोगों ने यहाँ पे, ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट आओ तो यू शुड बी एबल टू एवरीथिंग। GitHub, Safe और RCDC तीनों आपको आना चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इफ इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड परचेज द कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो अलग अलग जाते हैं हम लोग, ठीक है। बट बिकॉज हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ऑल राइट। तो जब दिखा दूँ आपको फॉर्मूला ये, तो आप जब असाइन में जाओगे, आप जाओगे शेल लोड्स में, हम लोग यूनिफॉर्म लोड अप्लाई किए थे, राइट। फ्लोर फिनिश और वाटर जो भी अप्लाई किए थे हम लोग को करते थे यूनिफॉर्म के अंदर, ओके। अभी हम जब सेलेक्ट में जाएंगे, सॉरी असाइन में जाएंगे, शेल लोड्स में जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो वेन यू गो फॉर नॉन यूनिफॉर्म, यू कैन सी दिस फॉर्मूला हियर कि AX+BY+CZ+D, ठीक है। ये जो एक्स वाई एंड जेड है, ये डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ओके। तो ये अपने ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, बट इन रियलिटी जब मैनुअल में करोगे वहाँ पे फॉर्मूलाज अलग होंगे, कन्फ्यूज मत होना, वहाँ पे मेथड ही अलग होगा, वो ये मेथड अलग है, वो मेथड अलग है, ठीक है। बट बिकॉज आर डूइंग इट, गोइंग विद दिस मेथड। तो अभी फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, AX+BY+CZ+D है, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बताया था लोकल एक्सेस के बारे में यहाँ पे, इफ यू गो फॉर लोकल एक्सेस अगेन, मैं जाता हूँ यहाँ से लोकल एक्सेस पे, जाता हूँ मैं यहाँ पे, कहाँ गया वो, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जेड का डायरेक्शन बाहर आ रहा है, एक्स एंड वाई क्या है, ये इन प्लेन है। तो हम लोग लोड कहाँ पे लगाएंगे, अलॉन्ग दी जेड डायरेक्शन में हम लोग लोड लगाएंगे, ठीक है। तो बिकॉज यू आर अप्लाइंग लोड ओनली इन द जेड डायरेक्शन, आपका यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझो फॉर्मूला को, पी इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू AX+BY+CZ+D। तो एक्स एंड वाई जीरो है, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस, दीज टू टर्म्स विल बिकम जीरो एंड सी जेड प्लस डी ही रहेगा अपने पास, ठीक है। अब जेड भी देखो, जेड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड में भी दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। एक, जब जेड जीरो है मतलब हाइट ऑफ द वाटर इज जीरो, मतलब हम लोग कहीं बिल्कुल बेस पे चल रहे हैं हम लोग, हाइट ऑफ द वाटर इज जीरो एंड हाइट ऑफ द वाटर इज 3.6, ठीक है, कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। अगर वन मोर थिंग व्हाट वी कैन डू इज हियर इज, यहाँ पे देखो और एक बात कि अगर आप वाटर बस यहीं पे तक भर रहे हो, ठीक है, अगर आप हाइट ऑफ द वाटर कम है, इंस्टेड ऑफ बिंग 3.6 इट इज 3.something एल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अलग करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसका अगर हम लोग 250 mm शायद लेते तो 0.25 meter का हाइट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये अलग हाइट होगा। 3.6 इज द हाइट ऑफ द वाटर, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, 3.6 इज द हाइट ऑफ द वाटर, देन 0.25 meter इज द हाइट ऑफ द स्लैब। तो जब जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जब जेड इज इक्वल टू 3.6, ठीक है। तो मैं खोलता हूँ वापस यहाँ पे एक्सेल शीट। तो आपका जब जेड इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब आप बिल्कुल बेस पे चल रहे हो, बिल्कुल पानी नहीं भरा हुआ है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, आपका डी का वैल्यू होगा 36, ठीक है। एंड जब डी का वैल्यू मिल गया है, देन व्हाट यू कम ओवर हियर, जेड इज इक्वल टू 3.6 meters पे आओगे आप, अगेन आपको ये वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, जो भी आप हाइट ऑफ वाटर दोगे ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस, CZ-CZ+10 होगा, तो जो भी वैल्यूज मिलेंगी आपको, यू विल गेट वैल्यू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। C×Z+D, Z इज 3.6, हम लोग C फाइंड कर रहे हैं, प्रेशर क्या है अपना, प्रेशर इज जीरो, ठीक है। अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे, तो बेसिकली जब पानी आके आपके वॉल पे लग रहा है तो पानी का भी कुछ इसी तरह का बनता है कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ऊपर में क्या होता है, प्रेशर जो होता है इट विल बी जीरो, P=0 होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जब कंप्लीट हाइट पर ऊपर इस पॉइंट पर जाके आप देख रहे हो, तो प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल कंडीशन में क्या गया हम लोग 36 लिए बॉटम पे, ठीक है, बिकॉज पूरा पानी भरा हुआ है उस कंडीशन पे। प्रेशर हम लोग बेस पे कितना लेते हैं, 36 लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वाटर प्रेशर एट बेस 36, ओके। देन 36 पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बेस पे क्या हो रहा है आपके साथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल रही है, लेकिन आप जब ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर इक्वल टू जीरो मिल रहा है आपको, ओके। तो लेट मी कम बैक ओवर हियर, यहाँ पे देखो 36 मिला हम लोग को वैल्यू, -10 मिला हम लोग को वैल्यू, ठीक है। अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट दिस, ओके, सी आप उस तरफ ले रहे हो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पे, अलजेब्रा है यहाँ पे, तो आप कर दो उसको, आपको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, डी इज इक्वल टू 36, जेड इज इक्वल टू हाउ मच, जेड इक्वल 3.6 एंड पी इज इक्वल टू 0, तो सी वहाँ पर जाएगा एंड वैल्यू हमको नेगेटिव में मिलेगी, ठीक है, कन्वर्ट करें वहाँ पुश करने के बाद वैल्यू को। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, आई डू वन थिंग, इसको मैं पूरा बंद करता हूँ यहाँ से, आई जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस लोकल एरिया, इसको अप्लाई करके ये करता हूँ, ठीक है। इसको करने के बाद आई गो फॉर वॉट, सेलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, मैं सारे वॉल सेलेक्ट करता हूँ कुछ तरीके से, ठीक है, सारे वॉल सेलेक्ट हो गए। आई एम गोइंग टू गो फॉर असाइन, आई एम गोइंग टू गो फॉर शेल लोड्स, नॉन यूनिफॉर्म। अब मुझे पता है कि वैल्यू क्या है, अगेन लोकल एक्स मुझे को चेंज करना पड़ेगा, लोकल एक्स 3 पे जाएंगे, ठीक है, बिकॉज जेड एक्स में लोड लग रहा है, ग्रेविटी में नहीं लग रहा, ग्रेविटी मतलब ये नीचे में चल जाएगा, ऑलराइट। तो सी में क्या होगा वैल्यू, माइनस 10 का वैल्यू होगा, एंड डी में क्या होगा वैल्यू, लेट मी जस्ट चेक, डी था 36 का वैल्यू था, ठीक है, 36 अप्लाई, अप्लाई करने के बाद यू कैन सी द वैल्यू हैज बीन अप्लाइड कंप्लीटली, ठीक है, ओके कर दो। आई थिंक बाई मिस्टेक डेटा अप्लाई कर दिया, सेलेक्ट करो इसको, असाइन पे चलो, शेल लोड्स पे चलो, नॉन यूनिफॉर्म, डेट को डिलीट करो, डेट एग्जिस्टिंग लोड, ओके। इसको पहले वाटर पे चेक करना ज़रूरी है, ठीक है, तो माइनस 10 एंड 6 सेलेक्ट करो, वॉल लोड सारे सेलेक्ट करो, सारे अप्लाई करो, अब प्रॉपर है, ठीक है, वाटर प्रेशर पर अप्लाई करना था। इतना करने के बाद आप जाओ यहाँ से, इसको आप सॉइल पे चेंज कर दो, सॉइल प्रेशर कर दो, ठीक है, वापस आते हैं आप लोग यहाँ पे, अब नीचे आते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग को दोनों लेना पड़ेगा, सॉइल प्रेशर एट बेस एंड सरचार्ज प्रेशर भी लाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ यहाँ से, तो हमने वैल्यू कितनी है, 24 है वैल्यू, एंड मैंने 6 के आसपास कुछ वैल्यू है अपनी, ओके। तो मैं आता हूँ अपने सेम वैल्यू अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, आई थिंक डी का था 24 था, एन सी का माइनस 6 था, डी का 24 था, एन सी का माइनस 6 का वैल्यू था, ठीक है। सब वापस सारे वॉल सेलेक्ट करो कुछ तरीके से, देन अप्लाई करो एंड देन क्लिक ऑन ओके, ऑलराइट, इसके बाद इसको क्लोज कर दो। तो इसके इस तरीके से आपको अपना दो चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है, एक होता है अपना वॉल लोड, सॉरी वाटर प्रेशर एंड सॉइल प्रेशर, वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डू इज गो फॉर डिफाइन। आप जाओ यहाँ से, आप जाओ लोड केसेस पे जाओ, सॉइल प्रेशर पे जाओ, मॉडिफाई करो इसको और मेक इट -1, ठीक है, बिकॉज हम लोग को ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू चाहिए, इसको मेक इट -1 करके इसको ओके कर दो, ठीक है। तो इसके बाद आपको करना है, आपको रन एनालिसिस करना है, ठीक है। तो एनालिसिस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यू हैव टू गो टू डिस्प्ले, ठीक है, फोर्स बस से फोर्स पर जाना है, जाने के बाद सॉइल प्रेशर पर जाना है, अप्लाई करो डेट पे, डेट पे हम लोग अप्लाई किए थे शायद, या फिर फ्लोर फिनिश पे अप्लाई किए थे, इसको अप्लाई करो फ्लोर फिनिश पे, एंड यू कैन सी यहाँ पे -4 -3 का हम लोग को प्रेशर आ रहा है, ठीक है, विट इज़ वेरी लेस, ऑलराइट। देन आते हैं हम लोग वाटर प्रेशर पे, इसको अप्लाई करो, एंड यू कैन सी -26 तक जा रहा है अपना, ठीक है, ऑलराइट। बराबर अवर कैपेसिटी हाउ मच, 200 का हम लोग कुछ कैपेसिटी लेकर चले थे, ठीक, तो ये कंडीशन में सेफ है, ओके। अगर ये वैल्यू जो है, अगर आपकी एसबीसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, बेसिकली जैसे हम लोग सेफ में करते हैं, अगर ये वैल्यू आपकी एसबीसी की वैल्यू ज़्यादा है, दैट टाइम यू हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द फुटिंग, सॉरी द स्लैब, बेसिकली आपको स्लैब का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, डेप्थ इंक्रीज करो या फिर लेंथ एंड विड्थ इंक्रीज करो, बिकॉज ये आपका कैपेसिटी होल्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बेसिक डेप्थ इंक्रीज करने से मैटर सॉल्व हो जाता है, ऐसा कोई सीन नहीं उसमें, ओके। देन क्लोज दिस, पे हम लोग क्या कहते हैं, वी वेंट फॉर डिस्प्ले, वी वेंट फॉर शो बाय स्ट्रेस फोर्सेस एंड वी वेंट फॉर सॉइल प्रेशर पे चले गए थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग बस प्रेशर चेक कर रहे हैं कि द वैल्यू विच इज कमिंग, इट इज लेस देन एसबीसी और मोर देन एसबीसी, लेस देन एसबीसी है तो यही पे सेफ है, ठीक है। इतना करने के बाद नाउ वी हैव टू चेक द फोर्सेस हियर, कि आप यहाँ पे आओ एंड यू गो फॉर योर डिस्प्लेसमेंट, और डेड पे किस जगह वाटर प्रेशर पे अप्लाई करो इसको, ठीक है। एंड यू कैन सी बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर, ये कुछ बाहर के तरीके से ये पुश कर रहा है बॉल को, राइट, कुछ तरीके से बॉल पुश कर रहा है। तो ये कुछ वैल्यूज आएंगे हम लोग को यहाँ पे, आप जस्ट ड्रॉ काउंटर्स अप्लाई करते हैं, तो ये कैन सी कुछ इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, आपको जब होवर करना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे सी की वैल्यूज क्या हैं यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद आप वाटर पे सॉइल पे चेक कर सकते हो, अप्लाई करो इसको, यानी अंदर की तरफ बेंड कर रहा है कुछ इस तरीके से, राइट, अंदर की तरफ बेंड कर रहा है ये, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना सब करने के बाद देखो, अगेन व्हेन यू होवर ओवर इट, यू कैन सी द वैल्यूज बहुत ही मिनिस्क्यूल है यहाँ पे, सी 0.00 समथिंग कुछ आ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इफ़ यू वांट, यू कैन इवन डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द वॉल, ओके। ये करने के बाद यू हैव टू गो फॉर डिस्प्ले, यू हैव टू गो फॉर शो बाय स्ट्रेस फोर्सेस एंड शेल बाय स्ट्रेस पे जाना है आपको। जाने के बाद M22 में आप चेक करोगे वाटर प्रेशर के लिए क्या आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको बेंडिंग मोमेंट वगैरह मिल जाता है आपका,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना वैल्यू मिल रहा है आपको, इस बेंडिंग मोमेंट की लेके ही आप अपना डिजाइन करोगे वॉल का थिकनेस वगैरह, ठीक है। ऐसे मैनुअल में हम लोग यही करते हैं, फाइंड आउट दिए बेंडिंग मोमेंट्स। बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड करने के बाद उस बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल डिजाइन करते हैं हम लोग का, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो यहाँ पे वाटर प्रेशर के लिए, देन सॉइल प्रेशर के लिए अप्लाई करो एंड यू कैन सी इट फॉर। इसमें और एक केस भी आता है, थर्ड केस होता है जहाँ पे आपका पानी भी है और वो भी है। तो जैसे बताते हो वहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप बॉटम पे जा रहे हो, नीचे में जा रहे हो, तो पूरा पानी पानी है, ओनली वाटर है यहाँ पे केस वन, पानी पानी है। तो आपको बॉटम में वैल्यू कितना मिल रहा था हम लोग को, 36 के आसपास कुछ वैल्यू मिल रहा था, राइट। तो ऊपर जाता हूँ मैं यहाँ से, 36 के आसपास कुछ वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर होता है 36 के आसपास, पी इज इक्वल टू 36 के आसपास है यहाँ पे, ठीक है। इज ओनली फॉर ओनली वाटर कंडीशन। तो केस टू में क्या होता था, केस टू में सॉइल भी है, सरचार्ज भी है। केस टू ओनली सॉइल एंड सरचार्ज, ठीक है। एक केस और आता है केस थ्री, जिसमें वाटर भी है, सॉइल भी है, सरचार्ज भी है, ठीक है। आप केस थ्री भी ट्राई कर सकते हो। उसके लिए आप बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बना के आप कॉम्बिनेशन पे चेक कर सकते हो, वेरी सिंपल है। इसको लॉक करो, यू गो फॉर डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग इसका चेक किए थे सॉइल पे, वॉट वॉज द SBC के तरफ, तो वी हैड टू एक्चुअली मेक कॉम्बिनेशन देयर। इन दोनों कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी था। इफ यू गो फॉर लोड कॉम्बिनेशन, एड न्यू कॉम्बिनेशन, डेड लोड तो होगा ही होगा, देन फ्लोर फिनिश होगा, एंड देन वाटर वेट होगा, यहाँ पे वाटर प्रेशर होगा कॉम्बो वन, ठीक है। इसको करना जरूरी था। देन यू रन द एनालिसिस एंड देन यू चेक दिस दिस स्लैब कि SBC से वैल्यू ज़्यादा आ रहा है कि वैल्यू कम आ रहा है। द सेम थिंग यू कैन डू फॉर केस थ्री। केस थ्री में आप वाटर प्रेशर एंड सॉइल प्रेशर का एक कॉम्बो बनाओगे, ठीक है। बना के यू विल सी कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। अभी के लिए मैं आता हूँ डिस्प्ले पे वापस, यहाँ पे आता हूँ शो पेज पे आता हूँ मैं यहाँ से, एंड कॉम्बो जाता हूँ, कॉम्बो वन पे अप्लाई करता हूँ, एंड वी विल सी हाउ मच वैल्यू आर गेटिंग। वी गेटिंग 31 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है, वैसे SBC काफ़ी बड़ा है हम लोग का, ओके। तो कुछ इस तरीके से आप अपना करते हो। बेसिकली ये स्विमिंग पूल का डिज़ाइन ही है। इफ़ यू ओपन दिस अपना, इसको वाटर टैंक बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप ऊपर में आओगे। ऊपर में आने के बाद अल्ट्रा वन मोर स्लैब हियर, इस पर आप अपना स्लैब बनाओ वापस, स्लैब 250 का, ठीक है। जॉइंट टू जॉइंट यहाँ से आओ और इसको स्लैब बनाओ यहाँ पे। स्लैब बनाने के बाद हर एक वाटर टैंक में क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, तो ओपनिंग ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे सेलेक्ट करो अपना ओपनिंग बनाओ, ठीक है। जहाँ पर भी ओपनिंग बना रहे हो, जिस क्रिएट ओपनिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसको एनालिसिस करो, इस पर एनालिसिस करो एंड चेक करो कि आपका स्लैब कैसे बिहेव कर रहा है। अगेन यहाँ पे आपको फिक्सरी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये स्लैब के ऊपर में आपको फिक्सरी देनी पड़ेगी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी रन द एनालिसिस। तो यू कैन सी हियर आपके वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ रहे हैं आपको, ठीक है। बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर जब आप इसको ये कर रहे हो, आई ट्राई टू एडिट दी फोटो इन दी एडिटिंग पार्ट, आप देख लेना वहाँ पे कि जनरली क्या होता है कि अगर आपका ये कुछ इस तरीके से है, तो जो भी रिबार आ रहा है आपका, वो कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ बेंड होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ बेंड होता है रिबार, ऑलराइट। तो यहाँ पर भी आपको फिक्सरी देनी पड़ती है रनिंग वेल क्रिएटिंग दिस इन द ईटैप्स, ठीक है। बार बिल्कुल आके इस तरह का बेंड होता है, तो यहाँ पर भी आपको स्लैब के लिए फिक्सरी मिल जाती है। तो अगेन आप बस ऊपर पे आओ, सेलेक्ट करो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं, पूरा कंप्लीटली नहीं, बस स्लैब का पॉइंट सेलेक्ट करना एंड मेक इट फिक्स ओवर हियर ऑल द साइड्स। आप बस फिक्स कर दो उसको। फिक्स करने के बाद एनालिसिस करो एंड चेक करो क्या क्या बिहेवियर है इस चीज़ का, ठीक है। अगेन जैसे मैंने बताया, दिस इज ओनली ईटैप्स मेथड। जनरली हम लोग ऑन साइट जो हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं, वो होता है मैनुअल, ठीक है। कंपनी एक्सेल शीट आई कैन नॉट शेयर, सो आई हैव क्रिएटेड दिस बाय माय ओन, ठीक है। ये एक्सेल शीट में आप बेसिक पता चल जाएगा कि आप करना क्या है इसके अंदर, बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप मैनुअल डिजाइन ही करो व्हेन इट कम्स टू सक्सेस लाइक दिस, ओके। बिकॉज बहुत ही सिंपल है, यू डोंट हैव टू गो इन टू ईटैप्स एंड डू दिस, ऑलराइट। वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे हम लोग करते हैं, लिमिट शीट पे नहीं करते इसको। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन 1.5 टाइम्स ऑफ द लोड केस एंड एवरीथिंग। डेफिनेशन में जाके मैंने नहीं बनाया यहाँ पे 1.5 टाइम्स कितना होता है वगैरह बनाए, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग वैसे टाइप के लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं करते, ठीक है, लिमिट सेट में ही करते हैं हम लोग, ऑलराइट। लास्टली अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, तो हमारे कोर्सेज हैं ईटैप्स पे सी प्लस RCDC का, 1999 मिल जाएगा आपको ये। अगर आपको बस ईटैप्स सीखना है, तो 1000 रुपीज़ में आपको कोर्स अवेलेबल होता है। इफ यू सी द कंटेंट पार्ट, आप यहाँ पे आज देख सकते हो कि ईटैप्स के अंदर हमारे पास करीब करीब 5 से 6 मॉडल्स हैं, जिसमें हमने सारा काम किया है, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर हैं। एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग पे आप इसमें काम आगे काम करोगे, राइट। एंड सेफ में भी आपके पास अलग टाइप की फुटिंग्स वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है।
तो कंटेंट में आप जाके देखोगे तो सेफ के अंदर आपको एसेंडिक फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, स्टाफ फुटिंग, राफ फुटिंग, पाइल फाउंडेशन वगैरह भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एंड आरसीडीसी जब हम लोग बात करते हैं तो आरसीडीसी में जो है आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएगा। कंबाइंड देखो कॉलम डिजाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल तीन अलग अलग सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बो कोर्स बनाया हम लोगों ने यहाँ पे, ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट आओ तो यू शुड बी एबल टू एवरीथिंग। गिटहब, सेफ और आरसीडीसी तीनों आपको आना चाहिए उसको कंप्लीट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इफ इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड परचेज द कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लास्टली किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू क्लियर इट अप और विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू क्लास ऑन दैट डाउट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।